हाय गाइज वेलकम बैक तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस डिस्कस कर रहे हैं जो सीए फाउंडेशन पेपर फोर के लिए रेलिवेंट है हैं जहां पे आप थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई स्टडी कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिये लॉ ऑफ डिमांड में हम बेसिकली कोई भी चीज की डिमांड एंड उसकी प्राइस के बीच की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब भी आप किसी चीज की प्राइस को इंक्रीज करते हो तो उस चीज की डिमांड डिक्रीज हो जाती है या जा फिर वाइस वर्षा भी ट्रू होती है कि जब भी हम प्राइस डिक्रीज करते हैं तो कोई भी चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है यानी कि उल्टा रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड के बीच देखिए तो ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं जब हम डिटर्मिनेंस ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे वहां पे हमने प्राइस और डिमांड बीच के रिलेशनशिप को देखा था राइट और हमने कहा था कि इनवर्स रिलेशनशिप है तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली वही चीज को बैक कर रहा है वही चीज को प्रूव कर रहा है कि एक्चुअल में ये लॉ ही ऐसा है देखिए लॉ ऑफ डिमांड ये एक्चुअल में ऐसा होता है देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप कि जब पे आप प्राइस डिक्रीज करोगे तो डिमांड इंक्रीज होगा एंड अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो डिमांड वे डिक्रीज लॉ ऑफ डिमांड स्टेज दैट अदर थिंग्स बींग प्राइस ऑफ अ गुड राइज द क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ द गुड देखिये ये दो सांस होने के लिए आपको अदर थिंग्स को कॉन्स्टेंट रखना जरूरी है अदर थिंग्स यानी की बाकी डिटर्मिनेट ऑफ डिमांड देखिये अगर आप बाकी डिटर्मिनेट ऑफ डिमांड को कॉन्स्टेंट रखो उनको चेंज ना करो ठीक है सिर्फ प्राइस को चेंज करो दे आपको तो क्या पता चलेगा की जब आप प्राइस राइज करोगे तो डिमांड आपका फॉल करेगा या फिर जब आप प्राइस गिराओगे तो डिमांड इंक्रीज होगा दस देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड सेटेरस पेरिबस सेटेरस पेरिबस का मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अदर डिटर्मिनेंस को कांस्टेंट रखोगे तो आपको इनवर्स उल्टा रिलेशनशिप मिलेगा

For example, if consumer income rises, they may be willing to buy more of a good even if its price rises. तो ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड को गिरना चाहिए राइट लेकिन मान लीजिए इसी बीच आपकी इनकम भी इंक्रीज हो गई तो जब इनकम इंक्रीज होती है तो लोग ज्यादा चीज खरीदते हैं फिर डिमांड आपका इंक्रीज होता है राइट तो देखिए प्राइस इंक्रीज होने के भी यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है बिकॉज इनकम भी आपकी इंक्रीज हो गई है तो देखिये अदर डिटर्मिनेंस को भी जब आप चेंज करते हो ना तब तो आपका लॉ ऑफ डिमांड हमेशा ट्रू नहीं रहता लॉ ऑफ डिमांड को ट्रू रहने के लिए आपको अदर चीज को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा और सिर्फ प्राइस एंड डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को आपको देखना पड़ेगा ठीक है सिर्फ प्राइस को आपको चेंज करना पड़ेगा अदर थिंग्स बी इक्वल तभी जाके लॉ ऑफ डिमांड आपका करेक्ट प्रूफ होता है नाउ प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल डिफाइंड लॉ एज द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे फाइंड परचेज ठीक है एल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं कि अगर आपको ज्यादा ज्यादा सेल करनी है अपनी चीज ठीक है अपने गुड्स तो आप क्या करो आप प्राइस को कम कर दो क्योंकि जब प्राइस आप कम करोगे ना तो तभी जाके ज्यादा लोग इसे परचेज करेंगे आपको ज्यादा परचेसर्स मिलेगा और इन अदर वर्ड्स द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद अ राइज़ इन प्राइस ठीक है नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी ग्रेटर देन क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड इंडिकेटिंग कंज्यूमर प्राइस लेवल देखिये खरीदना चाहते है और जितना वो खरीदना चाहते है वो हमेशा बराबर हो ये जरूरी नहीं है कभी कभार डिमांड ज्यादा होता है और जितना डिमांड है उतना सेल्स नहीं हो पाता क्योंकि सेल्स देखिये बाकी चीजों में भी डिपेंडेंट होता है राइट सेल्स डिपेंडेंट होता है प्रोडक्शन पे कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है कितना आपके पास रॉ मटेरियल है प्रोड्यूस करने के लिए एंड मेनी मेनी अदर फैक्टर्स तो जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड स्टडी कर रहे हैं ना तो हम प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं ना कि प्राइस एंड सेल्स ठीक है तो जब प्राइस हम डिक्रीज करेंगे डिमांड आपका इंक्रीज होगा बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जितना डिमांड इंक्रीज हो रहा है उतना ही सेल्स भी इंक्रीज हो ठीक है तो डिमांड एंड एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड में बहुत फर्क होता है नाउ लॉ ऑफ डिमांड को और भी अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक द हेल्प ऑफ अ डिमांड फंक्शन या फिर डिमांड शेड्यूल देखिए यहाँ पे हमने शेड्यूल बनाया है टेबल बनाया है जहाँ पे हमने प्राइस ऑफ आइसक्रीम दिया हुआ है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड हम देख रहे हैं हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं एंड कैसे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है वो हम स्टडी कर रहे हैं देखिए एट पॉइंट ए जब आपकी आइसक्रीम की प्राइस सिक्सटी रुपीज है तब आपकी डिमांड ज़ीरो है सिक्सटी इज द हाइस्ट प्राइस राइट लेकिन जैसे जैसे आप अपनी प्राइस कम करते जा रहे हो आप यहां पे देख सकते हो कि आपकी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है और जब आपने प्राइस जीरो कर दिया सबसे कम कर दिया तो आपकी डिमांड सबसे ज्यादा है देखिए तो हाईएस्ट प्राइस में आपका डिमांड सबसे कम है एंड लोएस्ट प्राइस में आपका डिमांड सबसे ज्यादा है तो बेसिकली ये लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करता है अब यही शेड्यूल को अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करें तो हम एक डिमांड कर्व भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया हमने एक ग्राफ लिया और एक्स एक्सिस में हमने क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम यानी कि ये वाला टेबल हमने एक्स एक्सिस में लिया एंड वाई एक्सिस में हमने प्राइस ऑफ द आइसक्रीम लिया ये वाला टेबल हमने एक्स एक्सिस में प्लॉट कर दिया राइट अब हम एक एक पॉइंट को ये ग्राफ में प्लॉट कर रहे देखिये एट रुपीज सिक्सटी आपकी डिमांड जीरो है तो रुपी सिक्सटी का यहाँ पे राइट जहाँ पे आपकी डिमांड क्वांटिटी डिमांड जीरो है तो ये पॉइंट ए हो गया। फिर हमने पॉइंट बी में क्या किया प्राइस को हमने कम कर दिया फिफ्टी कर दिया एंड एट फिफ्टी योर क्वांटिटी डिमांड इज टू राइट तो यहाँ जाके हमारा मीट कर रहा है प्राइस एंड डिमांड सो दिस इज पॉइंट बी सिमिलरली हमने सी डी सारे जो यहाँ पे टेबल में पॉइंट्स थे वो यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट कर दिया तो हमें कुछ इस तरीके का अपना डिमांड कर्व मिला देखिए हमारा डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम ए टू जी और ए में आप देख सकते हो बिल्कुल डिमांड जीरो है और जी में जहाँ पे आपने प्राइस जीरो करा हुआ है वहां पे आपका डिमांड 12 है सो यू अंडरस्ट कि कैसे हम डिमांड कर बना सकते हैं फॉर्मर डिमांड शेड्यूल बस हमें ग्राफ में प्लॉट ही प्लॉट करने हैं। ओके नाउ देर सर्टेन थिंग्स अबाउट डिमांड कर जो आपको पता होनी चाहिए पहले द डिमांड कर फॉर आइसक्रीम इलास्ट्रीज द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम कंज्यूमर्स वॉन्ट टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस देखिए ये कर बेसिकली आपको दिखा रहा है एट वेरियस प्राइसेस आपकी आइसक्रीम की डिमांड क्या है फॉर इंस्टेंस एट फिफ्टी रुपीज आपकी डिमांड है टू यूनिट्स राइट एट थर्टी रुपीज आपकी डिमांड है सिक्स यूनिट्स। तो ऐसे ही हर प्राइस पॉइंट में लोग कितना आइसक्रीम आपसे खरीदना चाह रहे हैं, राइट डिमांड क्या है वो आपको ये कर्व बता रहा है नाउ द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखिए आपका जो ये डिमांड कर्व है ये नीचे के तरफ स्लोप हो रहा है ये तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा राइट कि पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया था फिर देन वी मूव टू तो पॉइंट बी सी डी तो ये नीचे के तरफ हम मूव कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द राइट देखिए हम इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, जैसे आप और नीचे आ रहे हो आप और राइट वर्ड्स भी होते जा रहे हो और जी पॉइंट में आप बिल्कुल राइट आपने ए से स्टार्ट किया था और जी में आते आते आप कितना राइट टू वर्स राइट शिफ्ट कर चुके हो राइट तो ऐसा क्यों हो रहा है क्यों आप डाउनवर्ड्स एंड राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑफ लॉ डिमांड ओनली देखिए अगर आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज करनी है एक्स एक्सिस में इंक्रीज करनी है तो आपको प्राइस डिक्रीज करना पड़ रहा है राइट तो जैसे आप प्राइस डिक्रीज कर रहे हो आपका कर्व नीचे की तरफ मूव हो रहा है एंड जैसे जैसे आप डिक्रीज करते जा रहे हो एक्स एक्सिस में आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है राइट सो दैट्स यू आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द राइट आई होप यू अंडरस्टूड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है राइट right? अगर हमको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है एक वेरिएबल इंक्रीज करनी है तो दूसरी वेरिएबल प्राइस हमें डिक्रीज करना पड़ रहा है सो इनवर्स रिलेशनशिप यहां ऑफ़ दिख रहा है इज़ डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू देखिए पहले तो स्लोप क्या है स्लोप इज बेसिकली जो आपकी ये कर्व है ना ये किस रेट पे मूव हो रही है उसी को हम स्लोप कहते हैं देखिए स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा पी विच इज प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी या फिर आप कह सकते हो द चेंज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज अलोंग देंटल एक्सिस देखिए वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस right? राइट अब वाई एक्सिस में जो चेंज हो रहा है वो प्राइस का चेंज ही तो है राइट तो उसे हम डेल्टा पी लिख सकते हैं और जो एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है वो क्वांटिटी का चेंज ही तो है तो उसे हम डेल्टा क्यू लिख सकते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला है स्लोप निकालने का स्लोप यानी कि किस रेट में मूव हो रही है देखिए हमें ये तो पता चल गया था कि ये डाउनवर्ड मूव हो रही है राइट वर्ड मूव हो रही है लेकिन किस रेट पे हो रही है वो नहीं पता था राइट तो वो रेट हमें पता चलता है स्लोप से तो चलिए एक स्लोप निकाल के ही देख लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा लेट्स से हमें पॉइंट बी में स्लोप निकालनी है ठीक है तो देखिए पॉइंट ए से बी में आते आते प्राइस कितना चेंज हुआ है है प्राइस डिक्रीज हुआ टेन से राइट सो माइनस टेन यहाँ पे चेंज हुआ है एंड पॉइंट ए से बी right? so में क्वांटिटी का चेंज देखो ए में जीरो यूनिट्स था बी में टू यूनिट्स है राइट सो चेंज इज टू माइनस जीरो सो so, हमारा यहाँ पे स्लोप है माइनस फाइव सो ये माइनस फाइव का क्या मीनिंग है इसका ये मीनिंग है कि अगर हमें एक्स एक्सिस में वन यूनिट इंक्रीज करना है यानी कि हमें अपना आइसक्रीम का डिमांड वन कप से इंक्रीज करना है तो हमें अपना प्राइस फाइव रुपीज से डिक्रीज करना पड़ेगा सो एवरी डिक्रीज इन फाइव रुपीज विल इंक्रीज योर क्वान्टिटी डिमांडेड बाई वन रेट का यही मतलब है स्लोप से हमें यही पता चलता है कि किस रेट में हमें प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा टू इंक्रीज आवर क्वांटिटी डिमांडेड फॉर आइसक्रीम अंडरस्टूड देखिए एग्जाम में ऐसे स्लोप निकालो ऐसे करके क्वेश्चंस नहीं आते ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है ना द नेगेटिव साइन ऑफ द स्लोप इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डिमांड देखिए डिमांड कर का स्लोप हमेशा नेगेटिव ही होता है क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है ना प्राइस और क्वांटिटी के बीच में अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा सो बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स रिलेशनशिप स्लोप आपका नेगेटिव है नेगेटिव स्लोप का मतलब ये होता है कि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है आपका डिमांड कर ना इसके कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन तो जो जनरल लॉ ऑफ डिमांड है वहां पे आपका स्लोप हमेशा

लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक डिमांड कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन ही रहे अब ये डिमांड कर्व में ना आप हर एक पॉइंट में देखोगे तो आपका स्लोप आपको कांस्टेंट मिलेगा बी में तो हमने निकाल दिया था माइनस फाइव था राइट अब सी में भी अगर आप निकालोगे तो देखिए बी से सी में आते हुए कितना चेंज हुआ आपका क्वांटिटी में चेंज हुआ टू यूनिट अगेन प्राइस में चेंज हुआ माइनस टेन राइट सो so, आपका अगेन स्लोप माइनस फाइव है ई में भी अगर आपको निकालोगे तो आपको माइनस फाइव ही मिलेगा तो ऐसे लीनियर डिमांड कर्व या स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में आपका स्लोप हमेशा रहता है एक ही रेट से ये कर्व मूव करता रहता है लेकिन हर एक डिमांड कर्व ऐसा हो ये जरूरी नहीं है कोई कोई डिमांड कर्व इस तरह से भी दिखते हैं देखें इस तरह से कर्व की तरह भी आपको डिमांड कर्व दिख सकता है राइट ऐसा तब होता है जब आपकी जो रेट है ना स्लोप वो कांस्टेंट नहीं होती वो हर पॉइंट में जब स्लोप चेंज होती है ना तो आपका ऐसे कर्वी लीनियर डिमांड हो सकता है लीनियर होने का ये मतलब होता है कि पहले आपका जो ये डाउनवर्ड मूव होने का रेट पहले कुछ और था स्टार्टिंग में कुछ और था बाद में जाके कुछ और हो गया ठीक है डिफरेंट रेट से आप मूव कर रहे हो तो ये लीनियर डिमांड कर्व आपको मिलेगा तो ये रियल लाइफ में जो ज्यादातर डिमांड कर्व है वो कर् लीनियर ही होते हैं एक, एक ही कांस्टेंट एक स्लोप से वो मूव नहीं करते पहले हो सकता है वो ज्यादा तेजी से डाउनवर्ड मूव करे फिर जाके बाद में थोड़ा थोड़ा फ्लैट होने लग जाए ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है सो रियल लाइफ में कर्वी लीनियर ही होते डिमांड कर्व लेकिन हम स्टडी पर्पस के लिए एक लीनियर डिमांड कर्व को देखते हैं क्योंकि समझने में आसान होता है लीनियर डिमांड कर्व राइट सो so, ये पॉइंट यही कह रहा है कि डिमांड कर्व डोंट ऑलवेज हैव टू बी लीनियर हमेशा स्ट्रेट लाइन हो जरूरी नहीं है दे कैन बी कर्वी लीनियर आल्सो दैट मींस कि उनकी स्लो चेंज हो सकती है उनके नीचे मूव होने का रेट इट कैन चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ठीक है अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है आपको तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि वी विल बैक सून अनदर वीडियो ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल ट्यून्ड so हैं अस और मिलते हैं आपसे जल्दी तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर